चलिए भैया, कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो इसने देना ही बंद कर दिया था, लेकिन अब जो है कुछ उम्मीद लगा के अप्लाई तो कर सकते हैं हम लोग। देखिए, ड्यू डेट की अगर मैं बात करूं तो 5/12 की ड्यू डेट है, मतलब 12 दिसंबर की नहीं, 5 दिसंबर की ड्यू डेट है। और यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो है 1821 रुपए का। अनपेड अमाउंट शो हो रहा है, रीपेमेंट का ऑप्शन भी आ चुका है और यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। हालांकि ये फैसिलिटी पहले नहीं थी इस एप्लीकेशन में, लेकिन अचानक से ये फैसिलिटी कैसे आ गई, मैं भी ये सोच के हैरान हूँ कि ऑटो डेबिट का जो सिस्टम है वो कैसे आ गया इस एप्लीकेशन में। कुछ आइडिया हो तो मुझे भी बताइएगा। अब मेरे को तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस एप्लीकेशन को लेकर कि काफी लोगों को जो लोन है वो ऑटो डेबिट करने के बाद ही मिलेगा। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो जब अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन लोन मिल रहा है भाई, 2,000 रुपये का मिलेगा, 1,800 रुपये का लोन मिलेगा, 1,500 रुपये का लोन मिलेगा और मिनिमम लोन जो लोन है आपको 1,000 रुपये तक का मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि भाई आपको यहाँ पे आधार कार्ड ओटीपी देनी होगी। हालांकि एनबीएफसी है वो, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लॉग इन किया, अपडेट प्रोफाइल पे मैं बारी क्लिक करता हूँ आप लोगों के सामने, देखते हैं कितने का ऑफर आता है हमें। और ऑफर तो चलिए आ जाएगा, लेकिन बाद में रिजेक्ट कर देते हैं। सेम सबके साथ यही हो रहा है ना, मेरे साथ भी यही हो रहा है। अब देखिए, ऑफर आ जाएगा लेकिन बाद में क्या होगा, जब अप्लाई कर दोगे तो रिजेक्ट हो जाता है। तो अप्रूवल का मैं बता दूं कैसे होता है। जब आपका अप्रूव होगा ना इसमें, तो इनके एजेंट आपको कॉल करेंगे, आपसे नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका बैंक नंबर आपसे पूछा जाएगा जो आपने यहाँ पे फिल किया होगा। फिर कहेंगे, सर आपका जो लोन है वो अप्रूव हो गया, ई एग्रीमेंट आप साइन कर लीजिए और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई 3,000 रुपये का लोन देंगे, अगर आपको लिमिट और ज़्यादा इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर आपको वन टाइम रीपेमेंट कर देनी है, उसके बाद हम आपको 12,000 का देंगे। ऐसा नहीं है, 12,000 का नहीं मिलेगा। अगर आप इसकी रीपेमेंट कर देते हो तो ये 3,000 से 4,000 का हो जाएगा, ये 4,500 रुपये का हो जाएगा। चलिए भैया, आई हुई लक्ष्मी को कौन ठुकराए, ले ही लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बारी मैं इसको बैक करता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, 3,000 रुपये का ये कह तो रहे हैं कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन अगर मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करता हूँ, 3,000 रुपये के लोन में 28 दिन का है और अमाउंट अच्छा रिसीव हो रहा है, 2,823 रुपये, नो डाउट। और रीपेमेंट कितने की करनी है, हालांकि 2 EMI, Part 2 EMI है, लेकिन टाइम पीरियड कम है, एक एक 12 दिसंबर, 8 दिसंबर को करनी है, एक 22 दिसंबर को करनी है। चलिए सबमिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें फेस देना है, जस्ट अ मिनट। ओके, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली जो है सबमिटेड हो चुकी है। रिव्यू में आपको देखने को मिल जाता है, लोन एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। अब देखिए, एप्लीकेशन तो अंडर रिव्यू चली गई है, लेकिन 1.5 घंटे बाद अगर आप लॉगिन करो तो रिजेक्ट दिखाएगा। अप्रूव उसी का होगा जिनका कॉल जिनका इन कंपनी से कॉल आएगा, जहां तक कि मेरे को आइडिया है, ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे जहां तक किया इस एप्लीकेशन को लेकर। वैसे तो रिजेक्ट तो कर ही देंगे, लेकिन अगर किस्मत अच्छी हुई तो कॉल आ जाएगा, मिल जाएगा, वरना भैया फिर तो वही है, दूसरी एप्लीकेशन में देखेंगे। हाल फिलहाल तो अप्लाई कर दिए, चलिए देखते, किस्मत पे ही डिपेंड है हम भी। मिल जाता है तो वेरी गुड, नहीं मिलेगा तो फिर बैड लक, और कुछ भी नहीं हो सकता इसका।